हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम ज्योतिका, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिकास क्रिएटिविटीज। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ये पेटूनिया का प्लांट। ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत सा हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसमें आपको मनचाहा कलर, मनचाहा शेप, डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये था मेरा रेड कलर का स्टार पेटूनिया का प्लांट। इसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ग्रो किया था। इसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग बर्ड्स और काफ़ी सारे फ्लावर्स आए हुए कल तक, जिनकी मैंने आपको अभी अपडेट्स देनी ही थी कि रात को सारे फ्लावर्स चूहों ने खा लिए। ये देखिए, इस पर अभी एक भी फ्लावर नहीं है, ना ही कोई फ्लावरिंग बर्ड्स है। ये जैसे ही ग्रो करेगा, अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, मैं आपको ज़रूर इसकी अपडेट्स दूंगी। दोस्तों, ये पेटूनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको अभी 15-20 दिन तक ही एक ही पॉट में कम से कम 70 से 80 फ्लावर देखने को मिलेंगे। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं सारे, इन पर भी ऐसे ही इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, जिसमें कि प्लांट तो कहीं देखने को ही नहीं मिलता, फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे। और ये देखिए, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ग्रो किया है वाइट पेटूनिया का प्लांट। इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए थे जो कि चूहों ने खा लिए। वैसे भी ये मरा सा है, अभी इतनी ग्रो भी नहीं कर रहा अच्छी सी। और ये है मेरा स्टार पेटूनिया का प्लांट। ये भी थोड़ा स्ट्रेस में है, क्योंकि एक्चुअल में मैं 2-3 दिन से इसके फ्लावर्स को चूहों से बचाने के लिए जगह शिफ्ट कर रही हूँ, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस में है। इसके फ्लावर्स देखिए कैसे डाउन हो रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं, अगर हम इनकी बार बार जगह चेंज करते हैं तो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये जो डार्क पर्पल कलर के पेटूनिया का प्लांट है, इसके फ्लावर्स बचे हुए हैं, क्योंकि इसे मैंने हैंगिंग बास्केट में, ये देखिए, हैंग किया हुआ है ऊपर। यहाँ तक तो वो शैतान चूहे पहुँच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, वैसे तो जैसे विंटर सीजन में मैं हर फ्लावरिंग प्लांट के कम से कम 10 प्लांट्स रखती हूँ, इस बार थोड़ा कलेक्शन कम है। इसमें एक स्टार पेटूनिया में बिल्कुल लाइट कलर का भी स्टार पेटूनिया के प्लांट आते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट से लगते हैं। वो भी मैंने लेकर आना है और आपको दोबारा एक वीडियो शूट करूंगी, जब मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हो जाएंगे, काफ़ी सारी फ्लावरिंग करेंगे, तो मैं उनकी अपडेट्स जो है आपको ज़रूर दूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं इसकी केयर पर। पेटूनिया जो है एक सन लविंग प्लांट है, जो आप इसे वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे या पूरे दिन की डायरेक्ट सन लाइट आती हो। ये देखिए, मैंने इन्हें जहाँ पर रखा हुआ है, हैंग किया हुआ है, यहाँ पर पूरे दिन की फुल सन लाइट आती है। धूप इनके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। ये हैवी भी होंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे। अगर इस पर अच्छे से सन लाइट नहीं पड़ेगी तो इसकी फ्लावरिंग भी रुक जाएगी और इसमें जैसे ब्रांचेस भी कम होगी और फ्लावर्स का साइज़ भी छोटा होगा। ये तो होगी लोकेशंस की बात। अब आते हैं सॉइल मिक्सर। इसका सॉइल मिक्सर जो है वेल ड्रेन रखें, इसे कम पानी पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे प्लांट की सॉइल, ये देखिए कितनी वेल ड्रेन। ये देखिए, इसमें पानी तो है ही नहीं, इसको 2 दिन हो गए मुझे पानी दिए हुए। ये देखिए कितनी सूखी सूखी सी इसकी मिट्टी। आपने इस तरह से इसकी सॉइल को वेल ड्रेन रखना है। जब ये मिट्टी की ऊपर की लेयर बिल्कुल ड्राई, ये देखिए अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, अब मैंने इसमें पानी देना है, बट बिल्कुल थोड़ा सा। इसकी मिट्टी को जो है आपने एकदम से सोगी दलदली नहीं बनाना, और इसकी सॉइल में इतना ही पानी देगी जितना ड्रेनेज सिस्टम से जो है ड्रेन्स हो जाए। और आपने इन पर जो है वाटरिंग का स्प्रे भी नहीं करना। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। आपने जो है इसकी ये स्टेम्स है, ये जो लीव्स है, इनको ऊपर उठाकर ही वाटरिंग करनी है। ये देखो इस तरह से, ऐसे इनको ऊपर उठा के यहाँ पर नीचे मिट्टी में ही पानी देना है।
और फ्रेंड्स इसे जो है एसिटिक सॉइल पसंद है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट। फ्रेंड्स जैसे कि ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट है तो हैवी फीडर प्लांट भी होगा, सो इसे फर्टिलाइज़र भी हैवी होना चाहिए, इसका अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें। तो उसके लिए आप इसे हर 15 दिन में बनाना पील्स का लिक्विड या मस्टर्ड केक दें और हर जैसे 2-3 दिन छोड़कर किचन वेस्ट मैन्योर भी दें और हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे या आप जो भी अदर प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं वो इस पर स्प्रे करते रहें। और पेटूनिया के बारे में एक बात और भी है कि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो नहीं करते, अच्छे से नहीं चल पाते और इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है। इसे स्टेम कटिंग से या सीडलिंग से ग्रो करें। अगर आपको सेम ऐसा ही प्लांट दोबारा चाहिए तो आप इसे कटिंग से ही ग्रो करें। आप इसकी कटिंग स्प्रिंग सीजन में लगाइए। वैसे मार्च के एंड तक या अप्रैल तक ये प्लांट कहीं नहीं जाता, यूं ही रहेगा। बट पिछले सीज़न में मेरे प्लांट जुलाई तक फ्लावरिंग करते रहे, फिर जैसे ही रेनी सीजन आया वो एकदम से डेड होते गए। बस अच्छे से केयर कीजिए, अप्रैल तक तो ये चलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पे कि अगर आपका पेटूनिया का प्लांट जो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या फ्लावरिंग तो कर रहा है बट उसमें फ्लावरिंग कम है या फ्लावर्स का साइज़ छोटा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्लांट फूलों से लद जाए। तो आप इसकी डेड हेडिंग करते रहें, मैं आपको दिखाती हूँ डेड हेडिंग। ये देखिए जैसे ये स्पेंट हो चुके हैं फ्लावर्स, इसमें मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा एक फ्लावर। इसको जो है आपने ऐसे ऊपर से नहीं तोड़ना, इसको ऐसे नीचे बेस से तोड़ना है, अलग करना है। आप जो है इसे इस तरह से बेस से अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिए, ये देखिए, तो ही ये अच्छे से चलेगा और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। अगर आप इन्हें हटाते रहेंगे पुराने फ्लावर्स को तो ही आपका जो ये प्लांट्स है नई नई इसमें से शूट्स भी निकल के आएगी और उसमें से फ्लावरिंग बर्ड्स भी आएगी जो अच्छे से ब्लूम करेगी। अगर आप इन स्पेंट फ्लावर्स को नहीं हटाएंगे तो जो पुराना फ्लावर है इसके अंदर होते हैं सीड पॉट्स। आपका जो प्लांट है अपना सारा कॉन्सेंट्रेट इन सीड पॉट को ही मैच्योर करने में लगा देगा, सारी एनर्जी इन सीड्स पे ही स्पेंट करने लग जाएगा। तो आप इसलिए उन्हें ज़रूर हटाइए और इसमें फ्लावर्स आने भी बंद हो जाएंगे। इन्हें हटाने से क्या होगा कि आपके प्लांट्स में नई नई शूट्स आएंगी और हैवी फ्लावरिंग भी होगी। फ्रेंड्स अपने प्लांट को पानी तब दें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जब इसकी मिट्टी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसे डेली वाटरिंग मत करें, अभी जैसे सर्दियां हैं तो आप इसे 1-2 दिन छोड़कर ही पानी दें। और हाँ, अगर आप अपने इस प्लांट को पॉट में लगा रहे हैं तो आप एक पॉट में सिर्फ एक ही प्लांट लगाएं, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे करती थी, जैसे एक पॉट में 2-2 प्लांट लगा देती थी, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप होती है, इसलिए एक गमले में एक ही प्लांट लगाएं तो ही उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। बाकी ये हर जगह ग्रो करते हैं, पॉट में या ग्राउंड में, इसे कहीं भी लगाइए, बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है। फ्रेंड्स आप भी पेटूनिया के इस खूबसूरत से फ्लावरिंग वाले प्लांट को अपने घर में लाइए और लगाइए, बस अच्छे से ग्रो करेंगे। अच्छी बस ये थी पेटूनिया की केयर जो मैंने आपको बस बता दी है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज्योतिका क्रिएटिविटीज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक गार्डनिंग करते रहें, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।